तो फाइनली अब रिसर्चर्स को इसका ऑफिशियल प्रूफ मिल चुका है कि मार्स में जिंदगी था या फिर है। साइंटिस्ट को ऐसा कौन सा जबरदस्त प्रूफ मिला है ये जानने के लिए ये वीडियो प्लीज अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज। आज का पहला न्यूज है xiaomi की तरफ से। तो xiaomi ने इंडिया में अपना मी बैंड 3i लॉन्च कर दिया है जिसका प्राइस है 1300 रुपए। और इस फिटनेस बैंड का मैंने देखा है कि बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। नॉर्मल फिटनेस बैंड में जो जो भी फीचर्स होता है सब कुछ इसमें। इसका बैटरी लाइफ है 20 डेज। और इसका जो स्क्रीन है वो है एमोलेड डिस्प्ले। और ऑब्वियसली क्योंकि xiaomi की तरफ से इसीलिए 1300 रुपए में ये अवेलेबल सबसे बेहतर फिटनेस बैंड है। तो xiaomi का अपना एक 100 वाट का फास्ट चार्ज है। और कहा जाता है कि ये जो फास्ट चार्ज एक 4000 एमएएच बैटरी को 17 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज है, जैसे कि अगले साल या फिर हम कह सकते हैं कि इस साल के अंत में जो Redmi K30 आएगा उसमें होगा xiaomi का ये 100 वाट वाला फास्ट चार्ज। एक और न्यूज है, Redmi का ये जो K30 ये तो एक 5G स्मार्टफोन होगा, इसीलिए xiaomi चाइना में स्पेशली 5G फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए एक स्पेशल फैक्ट्री बना रहा है। और Redmi K30 के ऊपर एक और न्यूज है, बहुत ज्यादा चांस है कि इसका जो डिस्प्ले वो एक 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले हो सकता है। तो ये सारे लीक सुन के मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि Redmi K30 और K30 Pro कमाल का एक स्मार्टफोन होने वाला है जो कि टोटल पैकेज होगा, कोई भी उसमें कमियां नहीं होगा। अगला न्यूज है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने चाइना में अपना कलर OS 7 को लॉन्च कर दिया है। और काजल के इस महीने के 25 नवंबर से सारे ओप्पो के और रियलमी के जो स्मार्टफोन उसमें अपडेट आना शुरू भी हो जाएगा। अगला न्यूज है एप्पल की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्पेशल तरह का एप्पल केस है। और ये जो एप्पल केस ये एप्पल आईफोन 11 के जो बैटरी लाइफ उसे टोटल 50% इंक्रीज कर सकता है। इस स्पेशल स्मार्ट केस इसका प्राइस है 9200 रुपए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एप्पल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया केस है। सच में अगर एप्पल के ऑलरेडी जो बहुत ही बढ़िया बैटरी है उसे और भी 50% बढ़ा दिया जाए तो बहुत ही कमाल हो सकता है। अगला न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी S11 इसके ऊपर तो बहुत सारे छोटे छोटे लीक आ चुका है। एक और न्यूज है कि इसका जो स्क्रीन वो होने वाला है 120Hz वाला डिस्प्ले। और सैमसंग की तरफ से जो दूसरा न्यूज है वो है, कुछ दिन से एक ऐसा न्यूज आ रहा था सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च होने की उम्मीद थी। अब ये सर्टिफिकेशन साइट में भी आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें होगा स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, 8GB रैम, 4370mAh बैटरी, 45 वॉट फास्ट चार्ज, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन एक लोअर रेंज में मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से होने वाला है। अगला न्यूज है डिज्नी प्लस की तरफ से। तो डिज्नी प्लस तो इंडिया में आने वाला है ये तो कन्फर्म है, लेकिन उससे पहले डिज्नी के साथ हम कह सकते हैं थोड़ा सा हादसा हो चुका है। जैसे कि डिज्नी प्लस इसका एक सब्सक्रिप्शन रेट है, तो यूएसए में कुछ हैकर्स ने एक जो पूरा डिज्नी का सर्वर इसे हैक कर लिया था। और डिज्नी का एक महीने का सब्सक्रिप्शन रेट है $7। और ये सारे हैकर्स डिज्नी के वो सारे अकाउंट और पासवर्ड को ब्लैक मार्केट में $3 पर मंथ में सेल कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि हैकर सारे जो अच्छे चीजें उसे बिगाड़ने में ही लगा रहता है। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब तक ये डिज्नी प्लस सर्विस इंडिया में लॉन्च होता है। तो अगर आपका जो पेटीएम का KYC वो अभी तक कंप्लीट नहीं है तो आपके पास तो बहुत सारा मैसेज आता है। अब पेटीएम की तरफ से ऑफिशियल न्यूज है कि अगर कोई आपको ऐसा मैसेज करता है या फिर आपको फोन करता है कि मैं पेटीएम के सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूँ, आपका KYC अभी तक नहीं हुआ है, इस नंबर पे आपका जो KYC उसे कॉन्फर्म कीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि एक नया तरह का फ्रॉड आ चुका है। आपके पास एक फोन नंबर से मैसेज आएगा कि आपका पेटीएम का जो KYC वो अभी तक बाकी है, जल्दी कर लीजिए या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। उसके नीचे एक स्पेशल फोन नंबर दिया जाएगा, उस फोन नंबर पे जब भी आप कॉल करके आपके पूरे डिटेल्स देंगे तो आपका पेटीएम अकाउंट हैक हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप पेटीएम का KYC करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कंपनी की तरफ से कीजिए। तो जो लोग पबजी मोबाइल लाइट खेलते हैं उनके लिए खुशखबरी है, पबजी मोबाइल लाइट में जो erangle मैप है, erangle मैप का 2.0 मतलब वर्षन 2 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और टेंसेंट की तरफ से ऑफिशियल न्यूज है। अगला न्यूज है अमेजोन की तरफ से। जैसे गूगल स्टेडिया, रिलायंस का भी एक गेमिंग सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट का भी गेमिंग सर्विस है, बिल्कुल सेम 2020 में अमेजोन भी अपना क्लाउड बेस्ड गेमिंग सर्विस लॉन्च करने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में ये जो गेमिंग इंडस्ट्री इसमें बहुत सारा स्कोप है। तो जो लोग बेंगलुरु में रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है, बेंगलुरु के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने ACT 500 नाम के कंपनी के साथ टाई अप किया है और कहा जा रहा है कि
हर दिन बस एक घंटे के लिए आपको टोटल फ्री हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। और इस काम के लिए उस कंपनी को ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए दे भी दिया गया है, इसीलिए जो लोग बेंगलोर में रहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो कहा था, मार्स में प्रूफ हो चुका कि एलियंस रहते थे या फिर है, जैसे कि अब इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक तरह का बिल्कुल इंसेक्ट जैसा लग रहा है। अब तो देख ही सकते सर, हाथ, पैर और पीछे का हिस्सा। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि ये एलियन का ही फॉसिल है, और वहां पे कुछ गुफा में ऐसा दिखा गया है कि कोई चीज इधर से उधर उड़ रहा है या फिर ऐसा पूरा उम्मीद है। मार्स में जो गुफा उसके अंदर एलियंस रहते, और मार्स में बहुत सारे ऐसे फॉसिल मिला है और चिपकली का भी फॉसिल मिला है। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर और भी रिसर्च किया जाए तो वहां पर इंसान जैसा कोई चीज भी मिल जाए। तो अंतरिक्ष से कभी कभार अजीब तरह का रे का बर्स्ट होता है, लेकिन अब ऐसा दिखा गया है ये बहुत जबरदस्त गामा रे का बर्स्ट मिला है, जो कि कहा जा रहा है कि आज तक का सबसे बड़ा गामा रे बर्स्ट है। और अगर इसके पावर के बारे में बात करें तो ये नॉर्मल लाइट के पावर से 8 trillion times ज्यादा पावरफुल है। वैसे ये सारे जो गामा रे या फिर रेडियो बर्स्ट, इसका सोर्स क्या है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगला जो न्यूज है ये थोड़ा सा अजीब सा न्यूज है। तो नॉर्थ कैलिफोर्निया में ऐसा बच्चे का स्केलेटन और सर मिला है, लेकिन ये जो सर एक अजीब तरह का सर है, नॉर्मल बच्चे का सर, उसके सर में एक हेलमेट जैसा चीज पहना गया है, और वो हेलमेट बना है किसी दूसरे बच्चे के स्कल से। तो आप देख सकते हैं कि तब के जमाने में क्या अजीब सा रूल था कि इस बच्चे को तो दफनाया गया है, लेकिन इस बच्चे के सर में जो हेलमेट है वो किसी दूसरे बच्चे के स्कल से बना हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल न्यूज आ चुका है, चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर ये जिस जगह पर उतरने वाला था वहां से 500 मीटर दूर में क्रैश लैंडिंग हुआ है। तो इसीलिए इसरो नेक्स्ट साल के जो नवंबर उसमें चंद्रयान 3 फिर से करेगा। तो आज का लास्ट न्यूज है स्पेसएक्स की तरफ से। तो स्पेसएक्स कंपनी पैसेंजर को ले जाने के लिए, फिर एस्ट्रोनॉट को ले जाने के लिए जो रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें आग लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसका ऊपर का हिस्सा पूरा उड़ चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं अभी भी इंसानों को बहुत दूर तक ले जाने के लिए जो रॉकेट वो कोई भी कंपनी नहीं बना सका है। तो आज का टेक न्यूज यही था, उम्मीद आज का न्यूज आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।